10 कदम पर आईं रानी मुखर्जी। वेल, 10 कदम को जब से वीकेंड स्लॉट दिया गया है तब से सेलेब्स की मौजूदगी के साथ ये शो और भी मजेदार बन गई है। और अब 10 कदमदार वीकेंड पर आईं बी टाउन की रानी यानी रानी मुखर्जी चोपड़ा। वैसे इससे पहले जब अपनी फिल्म हिचकी को प्रमोट करने सलमान खान के शो बिग बॉस 11 पर रानी पहुंची थी तब इस डुओ के फन बैंटर ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया था। और अब बिग बॉस के बाद सलमान और रानी की वही केमिस्ट्री 10 कदम पर भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे बताते चले फराह खान से लेकर शिल्पा शेट्टी, करण पटेल और शिल्पा शिंदे के बाद रानी को भी सलमान के कितने प्रतिशत सवालों का जवाब देते देखना वाकई दिलचस्प होगा। आखिरकार सलमान खान के रईस 3 को टक्कर देने से नाकाम रही ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म फने खान। बता दें 3 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अनिल कपूर, राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फने खान यूं तो दर्शकों को बेहद पसंद आई, लेकिन अफसोस ना ही ये ब्लॉकबस्टर या फिर सुपरहिट जैसी टैग लाने में सफल हो पाई और ना ही रेस 3 के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ने में। बता दें कि रेस 3 ने अपने ओपनिंग डे पर 27.50 करोड़ की कमाई की थी जबकि फने खान ने 3 से 4 के बीच ओपनिंग डे कलेक्शन की होगी। वेल, साथ में ये भी बता दें कि पहले तो ऐसी भी खबरें थी कि फने खान रेस 3 के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, लेकिन बाद में ये क्लैश टाल दी गई। यानी ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर की फिल्म फने खान सलमान खान के रेस 3 को टक्कर देने में नाकाम रही। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जीरो के लिए कौन नहीं एक्साइटेड है? आफ्टर ऑल किंग खान को एक ड्वार्फ आदमी के मजेदार किरदार में देखना कौन नहीं चाहेगा भला। और इसीलिए शाहरुख खान स्टारर को बेहतरीन बनाने में इस फिल्म के मेकर्स कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। जहां कुछ ही समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म के VFX में एक ह्यूज चंक ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट लगाया जा रहा है, वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आनंद एल राय डायरेक्टोरियल वेंचर को मुंबई के गोरेगांव में स्थित फिल्म सिटी के 3 अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया जाएगा, जिसमें से एक तो हेलीपैड पर और बाकी 2 एडलैब्स के एंट्रेंस के बस स्टॉप तक। बताते चले इस क्लाइमैक्स की शूटिंग लगभग अगले महीने तक चलने वाली है, जहाँ शाहरुख, अनुष्का और कटरीना तीनों ही मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। ये तो हम सभी जानते हैं कि कटरीना कैफ सलमान खान की फेवरेट को-स्टार्स में से एक हैं और अब कटरीना पर इस कदर सलमान मेहरबान हुए हैं कि उन पर पैसों की बारिश कर दी। जी हाँ, दरअसल प्रियंका चोपड़ा के भारत से बैकआउट करने के बाद कटरीना कैफ ने इस वेंचर में बतौर लीडिंग लेडी एंट्री ले ली है और वो भी पैसों की बात सामने रखे बिना ही। अब ऐसे में कैट के इस जेस्चर से सलमान इस कदर खुश हुए कि उन्होंने कटरीना की फीस डबल कर दी। यानी कल तक प्रियंका को डबल फीस देने से ना नकोर करने वाले सलमान ने एक झटके में ही कटरीना की फीस 6 करोड़ से 12 करोड़ कर दी है। वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें कटरीना कैफ हर फिल्म के लिए 6 करोड़ की डिमांड करती हैं, जबकि भारत के लिए अब उन्हें 12 करोड़ की फीस दी जाएगी। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं और सलमान और कैट को एक बार फिर भारत में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। शाहरुख ने छीन लिया सलमान से बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। वेल, कुछ समय पहले जहां मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि धूम के 4th इंस्टॉलमेंट में सलमान खान मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं अब मीडिया में आई नई खबरों के मुताबिक शाहरुख खान को धूम 4 में लगभग फाइनल किया जा चुका है। जी हाँ, वैसे कुछ समय पहले तक ये भी दावा किया जा रहा था सलमान ने धूम 4 साइन भी कर ली है, लेकिन अब मीडिया में आए नए रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म्स ने शाहरुख को धूम 4 के लिए लगभग फाइनल कर लिया है और इसी के साथ शाहरुख ने सलमान से बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को छीन लिया है। बताते चले इससे पहले जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान भी धूम सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि अभिषेक बच्चन हमेशा इस फ्रेंचाइजी में रेगुलर रहे हैं। क्या सलमान को मिलेगी विदेश जाने की अनुमति? क्या भारत की शूटिंग के लिए सलमान विदेश जा पाएंगे?
1998 ब्लैक बक पोचिंग केस में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें बेल तो मंजूर किया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो विदेश नहीं जा पाएंगे और देश से बाहर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। और इसी के चलते सलमान ने जोधपुर कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट सलमान के खिलाफ अपना फैसला सुनाती है या फिर उनके पक्ष में। आपको बता दें कि सलमान की अगली फिल्म भारत को अबू धाबी और स्पेन जैसे अलग अलग फॉरेन लोकेशंस पर शूट किया जाएगा। ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कोर्ट के इस फैसले पर अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म भारत की शूटिंग भी निर्भर करती है। दिलबर के रिक्रिएटेड वर्जन से मिले सक्सेस के बाद नौरा फतेही इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जिसके चलते उनके पास इन दिनों ऑफर्स की भरमार लगी हुई है, जिसमें से एक है सलमान खान की फिल्म भारत में एक प्रोमिनेंट रोल। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नौरा ने सलमान के ऑपोजिट रोल मिलते ही अपना फीस बढ़ा लिया है। जी हाँ, अब भाईजान के ऑपोजिट दिखने का टशन ही कुछ और है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म भारत में जहाँ सलमान खान सर्कस में काम करने वाले एक मोटरसाइकिलिस्ट का किरदार निभाएंगे, वहीं नौरा एक लैटिनो लड़की के किरदार में दिखाई देंगी। साथ ही ये भी बताते चले कि सलमान और नौरा के अलावा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी और सुनील ग्रोवर भी भारत में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को लेकर आए दिन मीडिया में बातें चलती ही रहती हैं। कभी इसके स्टोरी लाइन को लेकर, कभी इस फिल्म में सलमान खान के लुक को लेकर, तो कभी इसके कास्ट को लेकर। हालांकि खबरें तो ये भी आई हैं कि इस फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कई बार ये सलमान खान स्टारर पोस्टपोन हो चुकी है। पर अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दबंग 3 की शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाली है और 2019 के क्रिसमस पर इसे रिलीज किया जाएगा। वैसे ईद के बाद सलमान खान ने अब क्रिसमस को भी अपना फेवरेट स्लॉट बना ही लिया है, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। दरअसल रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि 2019 के क्रिसमस पर दबंग 3 को बॉक्स ऑफिस पर मोगुल का सामना करना होगा। हालांकि मोगुल का कास्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन इस फिल्म में रणबीर कपूर के होने की खबरें थी। ऐसे में कहीं 2019 के क्रिसमस पर सलमान वर्सेस रणबीर तो नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। ओके, यू हैव इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन दैट सोशल मीडिया, नॉट सो मेनी, देयर आर मेनी फॉलोअर्स ऑफ योर एंड यू आर आल्सो एन यूथ आइकॉन ऑफ आवर बॉलीवुड। आई विश मैन, इन फैशन, हु इज योर आइकॉन इन बॉलीवुड? या आई लव प्रियंका, आई लव प्रियंका चोपड़ा, आई लव एवरीथिंग अबाउट हर। एंड एक्टर्स? ऑल ऑफ देम, all of them. Okay, recently you have posted your character, or rather you're playing in a Bharat, so would you like to say anything about your character? How excited are you? I'm very excited. I'm playing a trapeze artist. I am, rest you'll find out next, because we have seen one chunk you have playing a front flip. Okay, so would you be playing any action role in the Bharat? We are doing quite a few things, but you'll find out Last question. Thank you. Yeah. Okay, what does a celebrity plays a role whenever they endorse any product or any face of a product? I think it's very important for any artist who's endorsing a brand to believe in the brand, because you know that's what you're asking people to buy. So I'm the face of this brand and I truly and completely believe in this brand, and I really want people to wear it and you know enjoy the comfort and the prettiness of the outfit that I'm experiencing right now. अजय देवगन और भूषण कुमार ने मिलाया हाथ, अब जल्द ही तानाजी के साथ दस्तक देने जा रहे हैं। वैसे तो अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर पिछले कुछ समय से ही सुर्खियों में बनी हुई थी और अब इसे लेकर हुआ बड़ा खुलासा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने टी सीरीज के साथ इस हिस्टोरिकल बायोपिक के चलते हाथ मिला लिया है। अब अजय देवगन की प्रोडक्शन हाउस और टी सीरीज मिलकर ओम राउत के डायरेक्शन में बनने जा रही इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी शूटिंग इस साल 25 सितंबर से शुरू की जाएगी। बता दें, टोटल धमाल और अकीवली की अनटाइटल्ड रोम कॉम की शूटिंग खत्म करने के बाद अजय देवगन सुबेदार तानाजी मलुसुरे की जिंदगी पर बेस्ड इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। वैसे अजय को इस किरदार में देखना उनके फैंस के लिए वाकई एक ट्रीट होगा। अब राजकुमार हिरानी बनाएंगे शाहरुख खान का करियर।
वेल, बेटा उनके बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान के करियर में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा है। जहां कुछ समय पहले तक एक के बाद एक हिट फिल्में देने के लिए शाहरुख जाने जाते थे, वहीं उनकी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और ऐसे वक्त में बी टाउन के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने जताया शाहरुख खान के साथ काम करने की ख्वाहिश। जी हाँ, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया कि वो दो बार शाहरुख को अप्रोच कर चुके हैं, एक बार मुन्ना भाई MBBS के साथ तो दूसरी बार थ्री इडियट्स के साथ, लेकिन दोनों ही बार बात नहीं बन पाई। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो एक बार शाहरुख के साथ काम करें। वैसे अगर देखा जाए तो राजकुमार हिरानी ने कई एक्टर्स के करियर को संवारा है, ऐसे में क्या SRK की बारी है?